हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बात करनी है हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, रेजोनेंस इफेक्ट, वो सारे इफेक्ट और टाइप्स ऑफ रिएक्शन कवर करी थी। तो अब हमने हाइड्रोकार्बन को कंटिन्यू करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 11th का हाइड्रोकार्बन आता है तो आपको 12th की ऑर्गेनिक भी सारी आती ही होगी, क्योंकि यही बेस है। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। हमने चैप्टर की हेडिंग लगानी है अच्छी सी, हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? होता क्या है? जिस जिस कंपाउंड में कार्बन आ गया और हाइड्रोजन आ गया, उसको हाइड्रोकार्बन के अंदर हम करेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं, और ये ऑर्गेनिक का सबसे बेस है। तो मेन हाइड्रोकार्बन में पढ़ने वाली चीजें क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास एक है एल्कीन, एक है एल्काइन्स, एक है हमारे पास अल्केन्स। अल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन, मतलब कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारे पास एक एरोमेटिक भी होता है। एरोमेटिक का मतलब हो गया बेंजीन। ये सब हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीख रखा है, जो इससे पहला चैप्टर करा है। बट हम फिर भी स्टार्ट से, बेस से स्टार्ट करेंगे। और क्या क्या इस चैप्टर में मिलेगा आपको, कैसे कैसे हम चैप्टर करेंगे, सारी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको देनी है। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनेगी पूरे चैप्टर की। चलिए, अल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स और एरोमेटिक, इसको हम बेंजीन भी बोल देते हैं, ये पूरी डिटेल्ड होगी। इसमें सबसे पहले हम इनके पढ़ेंगे नोमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। जो ऑब्जेक्टिव्स है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले नोमनक्लेचर और क्लासिफिकेशन सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर सबके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन पढ़ेंगे, आइसोमरिज्म भी पढ़ लेंगे इसके हम, और फिर हमने पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर केमिकल प्रॉपर्टी। फिर केमिकल प्रॉपर्टी सबके, पहले एल्कीन्स करेगा डिटेल में, फिर एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक, बेंजीन चलेगा। और ये वाला आ जाता है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज इट? दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड जिसमें आ गए, इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। तो ये सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया और एरोमेटिक हो गया। हाइड्रोकार्बन की नॉर्मल तीन हमारे क्लासिफिकेशन कर दी इस लेक्चर में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक। सैचुरेटेड में एल्केन्स, एल्कीन, एल्काइन और फिर बेंजीन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमने 11th बोर्ड के लिए, 12th बोर्ड के लिए चैप्टर की वीडियो बन रही है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं बन रही है कि आप, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आए हैं तो इसको फास्ट फॉरवर्ड में करके देख लो, फास्ट फॉरवर्ड करो और देखो, और फिर जो मैंने एमसीक्यू वाली असाइनमेंट दी है उसको सॉल्व करिए। नहीं तो दूसरी हमने एक और वीडियोस बनानी है, वो कॉम्पिटिटिव के लिए अलग से होगी। उसमें सारा डिटेल्ड क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन के साथ एमसीक्यूज 2 से 3, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, हर एक रिएजेंट के बारे में बात करनी है उसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने अल्केन्स के बारे में बात करनी है। सो व्हाट आर अल्केन्स, हेडिंग लगाई है अच्छी सी, और हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। चलिए सर, यहां से गेम शुरू हो गई है। पिक्चर सारी की सारी डिपेंड करती है अल्केन पे। सर व्हाट इज अल्केन? कहीं सर कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, और या कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ गया तो उसको हम बोलेंगे अल्केन्स। होते हैं वो हमारे पास, क्या होते हैं अल्केन्स? जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? आर एच। व्हाट इज जनरल रिप्रेजेंटेशन? आर एच। और अल्केन की अगर एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो रहेगा आर, जिसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक बॉन्ड हटा दिया, एक बॉन्ड हटा दिया, तो इसको हम बोलते हैं एल्काइल। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अल्केन पता हो, एल्काइल पता हो, अल्केन से ही सारे फंक्शनल ग्रुप जैसे मैंने जीओसी में करवाए हैं वैसे ही चलेंगे। व्हाट इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन? आर एच। अगर मैं अल्केन की एक एच निकाल देता हूं तो क्या बन जाता है? एल्काइल। तो अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिख दूं अल्केन का, CnH2n+2, ये होता है। और फिर अल्काइल का क्या बन जाएगा? CnH2n+1, एक हाइड्रोजन देखो यहां से फिर बाहर। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए। आपको एल्कीन का पता है जनरल फॉर्मूला? हम कैसे याद रखते होते थे कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CN है तो H2N होंगे। अल्कीन कैसे होता था? अगर कार्बन को N ले रहे हैं, हाइड्रोजन को 2N लेते हैं, और अगर आपको अल्केन की तरफ जाना है तो दो हाइड्रोजन बढ़ा दो, ये देखिए बढ़ा दिए दो हाइड्रोजन, ये बन गया जनरल फॉर्मूला। अगर आपको एल्काइन की तरफ जाना है तो दो हाइड्रोजन कम कर दो, ये देखिए ये एल्काइन हो गया हमारे पास।
तो एल्कीन तो याद रहेगा रहेगा कि सी होता है एन, एच होता है उससे डबल टू एन। अल्केन में जाना है तो हाइड्रोजन बढ़ाओ कितने, दो, फॉर्मूला लर्न हो गया। और अगर एल्काइन में जाना है तो हाइड्रोजन कम करो कितने, दो ही कम करने हैं। सो दिस इज अल्केन, और अल्केन की एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। बात क्लियर हो रही है? अभी बेस बेस धीरे में है, हम क्या करना है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अच्छे से हर एक बेस को क्लियर करना है। अब इधर एन की वैल्यू वन पुट करो, जरा इसमें भी पुट करो, इसको भी पुट करो, दोनों के नाम लिख लेते हैं, थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर हो जाएगी इसके साथ साथ। चलिए एन की वैल्यू वन पुट करें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH4, ये बन गया CH4। और इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ वन, यहाँ टू, यहाँ थ्री, यहाँ फोर, कार्बन चार ही बॉन्ड बनाता है और चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है। पहला बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा, और ये रहा कार्बन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर sp3। हर एक जो बेस छोटी छोटी चीजें हैं वो साथ में लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। तो ये बन गया हमारे पास एल्केन। एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेरे भाई, मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, मिथेन। एक कार्बन के अल्केन को क्या बोला हमने, मिथेन। एक को मिथेन, दो को इथ, तीन को प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ऑक्टाडेक, ओहो सेप्टाडेक बूझ में भूल गया मैं, 17 को हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और इकोस। 20 बोल दिए मैंने, जो मैंने बेस में आपको करवाए हैं। एक को मिथ, अच्छा इसमें एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो यहां बनेगा CH3। वो अगर एल्केन है तो चार हाइड्रोजन, चारों के चार बॉन्ड बने हुए हैं, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है और sp3 है। और अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं तो मतलब CH3 रहेगा। कहने का मतलब मेरे भाई, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, और चौथा बॉन्ड तो बना ही नहीं, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। फोर्थ बॉन्ड तो पता नहीं, और कार्बन के पास वैलेंसी खाली पड़ी है, वहां पे जगह है, तो इसको बोलते हैं कार्बो केटायन। व्हेन एवर कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज दैट इज कार्बो केटायन, केटायन मींस पॉजिटिव। और इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, मिथाइल, क्या बोलेंगे, मिथाइल, मिथाइल। अल्काइल का एक कार्बन बन गया मिथाइल, अल्केन का एक कार्बन बन गया मिथेन। आती होगी बहुत से बच्चों ने जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं, जो मैं अभी तक पढ़ाया वो आता होगा, तब भी स्टूडेंट्स दोबारा दोबारा पढ़ना है। ऑर्गेनिक 11th क्लास में हूँ, आपको ऑर्गेनिक अच्छे से करनी है, तो आपको चीजें रिपीट करनी है, एक से दो बार लिखनी है, दो से तीन बार लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ, क्वेश्चंस पढ़ो, तरह तरह की MCQ सॉल्व करो, तभी ऑर्गेनिक में मास्टरी होगी। और अगर ये आती है तो बोर्ड लेवल में 20 to 25 मार्क्स की ऑर्गेनिक है आपकी 12th बोर्ड में। मेरा मेन एम्फेसिस बोर्ड के बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटिव की वीडियोस बहुत सारी पड़ी है, बहुत लंबी लंबी, 50 50, एक एक घंटे, दो दो घंटे की कॉम्पिटिटिव की वीडियो है। मैंने टाइम कम लेना है और चीजें ज्यादा बतानी है। अब जितना लेना था मैंने टाइम ले लिया, मैं जल्दी जल्दी से आपको क्या करवाने लगा हूँ, नॉमेनक्लेचर इसका आगे बताता हूँ थोड़ा सा, फिर मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन करते हैं सीधे। जितने में एक लेक्चर होता है 1.5 घंटे में, उतने में हमने चैप्टर खत्म कर देना है। चलिए सर, एन इज इक्वल टू वन, अभी हमने करा CH4, नाम क्या था, मिथेन, लगाइए सेंटर में लाइन। और अगर अल्काइल वाले की बात करें तो नाम क्या बन गया, मिथाइल। ये लीजिए सर, एन इज इक्वल टू टू, पुट करो, इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, CnH2n+2, इसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n+1। पुट करिए जल्दी से, C2H6, C2H6 को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, टू कार्बन, सारे सिग्मा बॉन्ड, एक भी वैलेंसी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, इथेन, इथेन बन गया। इफ आई टॉक अबाउट हेयर C2H5, C2H5 का मतलब हो गया CH3, CH2, ये देखिए इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो रिमूव करना पड़ेगा, तभी तो अल्केन से अल्काइल मिला। और तो इथेन से क्या बन जाएगा, इथेन से बन जाएगा इथाइल, ये बन गया इथाइल, इथेन से इथाइल बन गया। एन इज इक्वल टू थ्री पुट करिए जरा, क्या बनेगा, CH3, CH2, CH3, तीन कार्बन, तीन कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप, सबके सब बॉन्ड बने हैं, क्या बन रहा है, प्रोपेन बन रहा है। और इधर अगर मैं बात करूं, तीन कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकालना है, सपोज मैंने हाइड्रोजन इस पोजीशन से निकाला, नंबर वन कार्बन से निकाला, तो इसको स्टूडेंट्स बोलेंगे एन प्रोपाइल, क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल। और अगर मैं यहां से निकाल दूं, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि मैं सेकेंड वाले से निकाल दूं, मतलब प्रोपेन से एक तो एन प्रोपाइल बन रहा है, और प्रोपेन से एक मेरे पास यहां से भी तो मैं हाइड्रोजन निकाल सकता था, यहां से ये देखिए बनना, ये भी प्रोपाइल है। व्हेनेवर वी आर रिमूविंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन, प्रोपाइल
मतलब प्रोपेन से निकाला तो प्रोपाइल, इथेन से निकाला तो इथाइल, मिथेन से निकाला तो मिथाइल, तो ये भी प्रोपाइल ही है, बट इसको बोलेंगे आइसो प्रोपाइल। याद रखिए टी लिंकेज ऐसे आजू बाजू सेंटर वाली, ये जो लिंकेज है इसको आइसो प्रोपाइल बोलेंगे। यही छोटी छोटी चीजें सीखनी है हमने, इसी से बड़ा बनना है। तो प्रोपेन से प्रोपाइल भी बनता है, प्रोपाइल दो तरह के बन सकते हैं, एक एन प्रोपाइल बनेगा, आइसो प्रोपाइल बनेगा, क्योंकि दो तरह से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर इधर से भी निकालो, तो मेरे भाई यही वाली चीज बन जाएगी ऊपर। कुछ बच्चे सोच लेते हैं ऐसे, इधर से निकाला वन से, फिर टू से निकालो तो थ्री से भी निकालो, थ्री से निकालने का मतलब है यही चीज बन रही है, बस उसको ऐसे घुमा के लिख देंगे। बात क्लियर हो रही है? तो चलिए एन इज इक्वल टू फोर भी कर लो। चलो एन इज इक्वल टू फोर में एक आइसो सेकेंडरी टर्शरी आ जाएगा, वो भी कर लेते हैं। चलिए एन इज इक्वल टू फोर में क्या क्या है हमारे पास, ये देखिए, एक तो बनेगा ये वाला ब्यूटेन, ये देखिए दिस इज ब्यूटेन, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। एक ऐसा भी तो ब्यूटेन बन सकता था, सी एच थ्री सी एच, इधर सी एच थ्री नीचे और एक इधर सी एच थ्री। देखो दोनों का मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में हमारे पास क्या आ रहे हैं, कार्बन फोर आ रहे हैं। देखिए 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 3 6 2 8 2 10, ये देखिए बोथ आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म, बट इसमें देखो टी बन गया फिर से। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज आइसोब्यूटेन। इसको क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन बोलते हैं। सर दूसरा वाला नाम आईयूपीएसी 2-मिथाइल प्रोपेन, अगर नोमेनक्लेचर आती है तो कन्वर्जन आती है, वहां पे एग्जाम में आ गया कन्वर्ट आइसोब्यूटेन इनटू दिस, तो आइसोब्यूटेन ही नहीं बनाता बनाना आता होगा तो फिर क्या करोगे। बहुत जरूरी है अपने आप में। तो एन इज इक्वल टू फोर के लिए जो अल्केन के आइसोमर है वो कौन से हैं, ये रहा एक और एक ये रहा। आइसोमर क्या है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सेम, बट कार्बन चेन लेंथ क्या होगी डिफरेंट। अभी धीरे धीरे आगे आइसोमर आएंगे, मैं पॉसिबिलिटी आप अभी कह लो इसको, क्या क्या पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर्स की। क्लियर हो रही है? एक नॉर्मल ब्यूटेन बन रहा है, एक आइसोब्यूटेन बन रहा है। ऐसे एन इज इक्वल टू फोर के लिए राइट साइड में अगर हम बनाएं तो चेक करें जरा, ये लीजिए सर एन इज इक्वल टू फोर के लिए बनाए। सबसे पहले तो फर्स्ट कार्बन से निकाल दो, ये देखिए यहां से निकाला हमने, ये सारे टू यहां से निकाला, तो इसको क्या बोलेंगे, एन ब्यूटाइल। वही चीज, क्या बोलेंगे इसको हम, एन ब्यूटाइल। दूसरा निकाले जरा, दूसरी पोजीशन पे, अब देखिए जरा दूसरी पोजीशन कौन सी है, सर ये वाली है दूसरी पोजीशन, ये वाली, यहां से निकालो। तो इसको अब सेकेंडरी नहीं, आइसो नहीं बोल सकते, ये सेकेंडरी है हमारे पास, सेकेंडरी ब्यूटाइल, बिकॉज दिस कार्बन इज फर्दर अटैच टू 2 कार्बन। जिस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अगर फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं सेकेंडरी, अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जैसे ये जुड़ा है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको 1 डिग्री भी बोलेंगे। एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सर और भी कोई पॉसिबल है, यस ये देखिए तो ध्यान से, सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू। अब देखो ये लिंकेज कौन सी है, बन रही है टी लिंकेज, देखो ऊपर को उल्टा टी, उसको नीचे लगा लोगे तो सीधा बन जाएगा, दिस इज आइसो ब्यूटाइल है, ये भी आइसोमर उसी का, कि यहां से निकाल दिया, एक ब्रांच में ले गए और एक यहां से निकाल दिया, आइसो ब्यूटाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। और आइसो है, और यहां से भी तो निकाल सकते थे मेरे भाई, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। सारी पॉसिबिलिटी ड्रॉ करो तभी मजा है, सब कुछ ड्रॉ करो, ये देखो यहां से निकाला, अब इसको आइसो बोलेंगे। इज इट आइसो, नो इट्स नॉट आइसो, इट इज टर्शरी, बिकॉज यहां से निकाला तो यहां पॉजिटिव चार्ज, दिस कार्बोकेटायन, दिस कार्बन इज फर्दर अटैच्ड टू 3 कार्बन, दिस इज 3 डिग्री ब्यूटाइल, इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। सो देखो प्राइमरी या फिर एन ब्यूटाइल हो गया, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, दिस इज आइसो ब्यूटाइल, आइसो लिंकेज बन रही है यहां पर, और पहली पोजिशन से निकल रहा है, आइसो लिंकेज भी बन रही है पहली से निकल रहा है, और ये बन गया हमारे पास टी लिंकेज, और इसी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब यहीं से हाइड्रोजन निकला है, तो ये हो गया टर्शरी। ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको, ये तो सबसे हो जाती है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो इसको दोबारा से सीख लो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, कि एल्काइल की नोमनक्लेचर कैसे कैसे विस्तार में अगर हम उसको समझाएंगे, फिर कैसे कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएगी। एन इज इक्वल टू 5 के लिए भी कर सकते हो आप। तो नॉमेनक्लेचर हमारी हो गई है, नॉमेनक्लेचर के साथ साथ अब हमने आगे बात करते रहना है आइसोमरिज्म की, आइसोमरिज्म से मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेंगे और अल्केन्स खत्म करेंगे हम।
चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम आइसोमरिज्म। सबसे पहले है हमारे पास स्टूडेंट चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म क्या है हमारे पास? आइसोमरिज्म क्या होती है, हमने जीओसी में भी पढ़ी है, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीन्स उसमें कितने कार्बन हैं, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन कितने हैं, अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप है वो कितने हैं, वो सब सेम होना चाहिए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन लेंथ। डिफरेंट कार्बन चेन लेंथ, और आई कैन से डिफरेंट पेरेंट एल्केन। डिफरेंट पेरेंट एल्केन, तो उनको क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर्स बोलेंगे, और फिनोमिना को क्या बोलेंगे? चेन आइसोमरिज्म। फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, CH3, व्हाट इज दिस? दिस इज ब्यूटेन। अगर मैं नॉर्मल बोलूं तो इसको क्या बोलेंगे? एन ब्यूटेन। इसी का एक आइसोमर हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट? चेन आइसोमर ही बनेगा। व्हाट इज द चेन आइसोमर ऑफ दिस? इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, अगर मैं IUPAC नाम लिखूं तो इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोल देंगे, आगे एंड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप IUPAC नेम लिख रहे हैं, दिस इज IUPAC एंड दिस इज कॉमन, ये कॉमन है हमारे पास, कॉमन है तो एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। अगर IUPAC है तो इसको ब्यूटेन बोलेंगे, और IUPAC में इसको बोलेंगे टू मिथाइल प्रोपेन। क्या बोलेंगे? टू मिथाइल प्रोपेन। देखो दोनों कंपाउंड्स में हमारे पास कार्बन कितने हैं? चार, और हाइड्रोजन कितने हैं? दस। आप काउंट करके चेक करिए, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पेरेंट एल्केन। इन दिस पेरेंट एल्केन इज ऑफ फोर कार्बन, इन दिस पेरेंट एल्केन इज ऑफ थ्री कार्बन। डिफरेंट न्यूक्लियर चेन, पेरेंट एल्केन, कार्बन चेन लेंथ, तीनों में से कुछ भी आ जाए तो उसको हम बोलेंगे ये एक दूसरे में आपस में क्या बना रहे हैं? चेन आइसोमर्स। ये मैंने एन इज इक्वल टू फोर के लिए करा, आप एन इज इक्वल टू फाइव के लिए भी कर दीजिए। डू इट फॉर एन इज इक्वल टू फाइव, थोड़ी पिक्चर और क्लियर होगी। सिंपल सिंपल चीजें करो। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं अल्केन्स में, इतना ही अगर आप बोर्ड लेवल में पढ़ेंगे तो बहुत है। चलिए एन इज इक्वल टू फाइव के लिए भी बना के देखते हैं। चलिए सर, CH3, CH2, 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 CH3, ये हो गया हमारे पास पेंटेन। दिस इज पेंटेन। व्हेन वन ऑफ द कार्बन आई हैव टेकन इन द ब्रांच, ये देखिए एक मैं ब्रांच में ले जाता हूं, ये देखो ये क्या हो गया? टू मिथाइल ब्यूटेन। एक दूसरे के आइसोमर है, कौन से आइसोमर है? चेन। क्यों? कार्बन चेन लेंथ डिफरेंट है। इन द सेकंड कंपाउंड कार्बन चेन लेंथ इज अ फोर कार्बन, इन द फर्स्ट कार्बन चेन लेंथ इज अ फाइव कार्बन। सर कोई और भी बनता है चेन आइसोमर? चेक कर लो एक बार, आप कुछ इस तरह से भी बन सकता है, ये देखिए जरा, यस इस तरह से भी बन गया। हाउ मेनी कार्बन इन दिस? वन टू थ्री फोर फाइव। हाउ मेनी हाइड्रोजन? थ्री थ्री सिक्स, थ्री नाइन, थ्री ट्वेल्व। इधर भी ट्वेल्व है, इधर भी ट्वेल्व है, इधर भी ट्वेल्व। आप चेक करिए तीनों में C5H12 बनेगा। और इसका एक मैं आपको कॉमन नेम बता दूं, इसको नियोपेंटेन भी बोलते हैं। जैसे आइसो आया था ना, तो कॉमन जो जो बच्चों कॉमन चलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, मैं साथ साथ में आपको बताता रहूंगा। दिस इज नियोपेंटेन, इसको नियोपेंटेन भी बोलते हैं। तो ये चेन आइसोमर्स हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन आइसोमर्स? अगर आप पोजीशन आइसोमर्स से आते हैं तो इसी में पोजीशन आइसोमर्स बन जाएंगे। बना के देखे जरा, चलिए बहुत इजी इजी चीजें हैं हमारे पास। ये चेन आइसोमर से पोजीशन का मतलब द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ ब्रांच। आप एक काम करिए, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव है तो सेकंड पे ब्रांच लगा दो, सेकंड पे वन टू पे ब्रांच, हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। और इसी तरह से देखो जरा, थर्ड पे ब्रांच लगा दो। अब देखो इसमें कार्बन चेन लेंथ कितने की है? फाइव की। इसमें भी कार्बन चेन लेंथ कितनी है? फाइव की। बट हेयर द पोजीशन ऑफ ब्रांच इज सेकंड, हेयर द पोजीशन ऑफ ब्रांच इज थर्ड। Either you go from the left hand side or from right hand side, the position of the branch is coming at number third. That is why this is 3-methylpentane, this is 2-methylpentane. लिख लो नाम साथ में, कोई बात नहीं। 3-methylpentane and here 2-methylpentane. Both are having 5-carbon chain. So it is not chain isomers. These are not chain isomers. These are position isomers in which the position is vary of the methyl group, that is in the first is second and second is third. First में second पे है, second में third पे है। ये position isomers हो गए। तो अपने आप में छोटी छोटी चीजें हैं, बेस पक्का करते चलिए। मैंने नोट दे रखे हैं, PDF अगर नहीं है तो WhatsApp नंबर दे रखा है, आप उस WhatsApp पे आप में अपना मैसेज भेजिए कि आपको हाइड्रोकार्बन के नोट्स चाहिए।
आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक ओपन करिए, वहां से नोट्स आप डाउनलोड कर लेंगे। क्लियर हो रही चीज है? ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस नोट्स में मैंने पीडीएफ फाइल्स में सब कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे रखे हैं, तो आप वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक करते चलिए, यहां से समझिए, नोट्स डाउनलोड करिए, और खुद से भी लिखना स्टूडेंट जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ नोट्स डाउनलोड है जो वो देख ले, बस वहीं पर टिक कर ले, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अपने खुद के नोट्स बनाओ, खुद की कॉपी लिखो, साथ साथ में जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वो करते रहो। अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैं स्टार्ट करने लगा हूं सीधा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का एक फ्लो चार्ट बना देना मैंने, कि सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इसमें आ गए हैं। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे इसमें, जैसे वुड्स रिएक्शन होगी, कोरे हाउस रिएक्शन होगी, फ्रैंकलिन रिएक्शन होगी, इन कोल्ब रिएक्शन होगी, इनके मैकेनिज्म भी करवा दूंगा, बट उसकी वीडियो हेडिंग बना बना के डाल देंगे। जैसे अभी मैं सारा फ्लो चार्ट इकट्ठा करवा दूंगा, उसके बाद वीडियो आएगी मैकेनिज्म ऑफ वुड्स, मतलब वुड्स अलग से, फ्रैंकलिन अलग से, कोल्ब रिएक्शन अलग से, डीकार्बोक्सिलेशन अलग से, इस तरह से करेंगे। तो अभी सिंपल सिंपल चीजें हमने पढ़नी है। फर्स्ट हमारे पास आ गया फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड मीन इधर यू आर टॉकिंग अबाउट एल्कीन और यू आर टॉकिंग अबाउट एल्काइन। एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड, एल्काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो चलिए बात करते हैं कैसे बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है पाई होता है, और इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। ये एडिशनल नॉलेज होनी चाहिए बच्चों को। तो अगर दो बॉन्ड तो बन रखे हैं राइट साइड कार्बन के, दैट मींस दो हाइड्रोजन आएंगे, और इधर भी कितने हाइड्रोजन आएंगे, दो हाइड्रोजन आएंगे। काम की बात तो ये, और इसको क्या बोलेंगे, दो कार्बन के क्या बोलते हैं, इथ, देयर इज डबल बॉन्ड इथेन। बनाना हमने अल्केन है, मतलब इथेन बनेगा इससे। We can say हमारे पास क्या बनना चाहिए, इथेन बनना चाहिए। टू कार्बन इज नोन एज इथ, सिंगल बॉन्ड इज इथेन। सो हाउ वी विल चेंज फ्रॉम इथेन टू इथेन, ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है, कन्वर्ट इथेन टू इथेन। तो कैसे, क्या चेंजेस आ रहे हैं, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर तीन हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन तो भाई जाएगा, इधर भी दो हाइड्रोजन है, इधर भी तीन हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन जा रहे हैं। एंड व्हाट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। यू नीड टू एड रिड्यूसिंग एजेंट, आपको रिड्यूसिंग एजेंट डालने पड़ेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से डालेंगे, आप डालेंगे निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, और डालेंगे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और क्या डाल सकते हैं, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, और क्या डाल सकते हैं, ट्राई फिनाइल टिन हाइड्राइड, या फिर टिन प्लस HCl, या फिर जिंक में एसिड डाल दीजिए, या फिर जिंक में बेस डाल दीजिए, या फिर आप HI की बात करिए, रेड फॉस्फोरस में। सर कितने डालने हैं, एक ही डालना है आपको इनमें से कोई, आप निकल पे फोकस करिए, निकल प्लेटिनम पैलेडियम, बाकी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, टिन प्लस HCl। ये एरोमेटिक में बहुत यूज होगा, ये वाला एरोमेटिक मतलब बेंजीन में यूज होगा, जिंक में एसिड, जिंक में बेस, सोडियम इथेनॉल भी होता है, एक सोडियम प्लस इथेनॉल, ये भी होता है रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत काम आने वाली चीजें हैं आपको ये, जैसे आप 11th में आए हो तो अभी लग रहा होगा कि इतने सारे लर्न करने पड़ेंगे, बट ये सारे धीमे धीमे बहुत आराम से हो जाएंगे। एक होता है डाइबाल एच, डाइबाल एच इसका फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर से बोल रहा हूं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बट अपने को क्या करना है, अपने को ये डालना है, तो वो अभी के लिए निकल याद रखेगा, अभी के लिए क्या याद रखेगा, निकल याद रखेगा। और ये निकल भी स्टूडेंट्स हमारे पास होता है रेने निकल, याद रखिए निकल भी कौन सा है हमारे पास, रेने निकल। तो रेने निकल की प्रेजेंस में अगर आप इथेन से इथेन कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रॉम अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड जा रहे हैं, तो रिएक्शन का नेम है, दिस रिएक्शन इज नोन एज सैबेटेयर सैंडर्स रिडक्शन, सैबेटेयर सैंडर्स रिडक्शन। देखो एग्जाम में आने के तरीके हैं, ऑर्गेनिक किस किस वे से एग्जाम में आ सकती है। सबसे पहले तो ये से आ सकता है राइट सैबेटेयर सेंटर से रिडक्शन, ये रिएक्शन लिखो, तो आप किसी भी एल्कीन को एल्कीन में चेंज करें, बट आपको रिड्यूसिंग एजेंट निकल लेना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट इथेन टू इथेन, तब भी H2 ऐड करना है, इनमें से कोई भी डालिए। थर्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है, प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बन गया। अभी एक एग्जांपल लिखी है, इतनी डिटेल दे दी है।
जितनी लेवल आपको बोर्ड लेवल के लिए चाहिए होगा उतना तो मैंने देना ही देना है। कॉम्पिटिटिव के लिए एग्जाम्स के लिए अलग से वीडियो बनते हैं, बट इसमें भी अगर आप देख रहे हैं, कॉम्पिटिशन वाले बच्चे भी देख रहे हैं, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज की डिटेल दे देनी है हमने। क्लियर हो रही चीजें सारी? चलिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई टॉपिक पे कोई किसी भी चीज में डाउट आ रहा है तो हम उसके ऊपर आपको अलग से वीडियो एक प्रोवाइड कर देंगे। ओके, चलिए अब ये रेने निकल जो हमने डाला है थोड़ा सा इसको भी देख लेना, रेने निकल क्या है ये भी देख लेते हैं। चलिए सर, व्हाट इज रेने निकल और नॉर्मल निकल में क्या फर्क है? निकल और एल्यूमिनियम दोनों 50-50% होते हैं इसमें, और ये दोनों NaOH में डाले होते हैं। ये दोनों किसमें डाले होते हैं? NaOH में। तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं रेने निकल। अकेला निकल नहीं होता, निकल में कुछ कह लो कि एल्यूमिनियम के ट्रेसिस आ गए, इससे निकल की एक्टिवेशन जो कैटालिटिक पावर है वो बढ़ जाती है। एल्यूमिनियम के आने से निकल कह लो कि एडवांस वर्जन बन गया निकल का, वो कैटलिस्ट बहुत अच्छे से काम करेगा, बहुत अच्छे से रिड्यूसिंग एजेंट वाला काम करेगा। सो पहले तो निकल और NaOH क्या होते हैं? एक दूसरे में इनसॉल्युबल होते हैं। निकल और NaOH एक दूसरे में इनसॉल्युबल है, तो थोड़ा सा एल्यूमिनियम डाल देते हैं, फिर इसको ईथर से वॉशिंग देते हैं, वॉश करने के बाद फिल्टर पेपर से इसको ड्राई करो। अब जो आपके पास सॉलिड कंपाउंड आ गया उसमें निकल भी होगा और उसमें एल्यूमिनियम भी होगा। अगर आप एरो के ऊपर रेने निकल नहीं लिखते हो, अकेला निकल लिखते हो, तो वहां कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि आपको रेने लिखना चाहिए, और अगर रेने नहीं निकलना तो ये तीनों चीजें लिख दो। अभी जो रिएक्शन लिखी थी वहां निकल एल्यूमिनियम एंड NaOH लिख दो, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये मेरा भाई रेने निकल की बात कर रहा है। क्लियर चीजें? चलिए अब आप करके दिखाई जरा, कन्वर्ट कन्वर्ट ब्यूट टू इन, कन्वर्ट ब्यूट टू इन टू ब्यूटेन। चलिए बॉस करके दिखाइए जल्दी से, ये लीजिए कन्वर्ट ब्यूट टू इनटू ब्यूटेन। मैं स्ट्रक्चर बनाता रहूंगा, क्वेश्चन देता रहूंगा, हर एक वीडियो में साथ साथ में क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तब तक मैं थोड़ा टहल लेता हूं, आप करिए इसको सॉल्व अभी जल्दी से। ब्यूट टू इन से ब्यूटेन हो गया जी, 2 मिनट का काम है अब तक तो कर लिया होगा। सिंपल क्या करना है? H2 ऐड करनी है, H2 ऐड करना, और साथ में क्या लिख देना है? निकल एल्यूमिनियम इन NaOH, रेने निकल लिख दो तो बात सच है। एक हाइड्रोजन इधर दे दो, एक हाइड्रोजन इधर दे दो। अब देखो इसमें भी देखो एक स्टीरियो भी होती है इसकी, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए, कि जो हाइड्रोजन जा रहा है वो दोनों ऊपर से अटैक कर रहे हैं या दोनों नीचे से अटैक कर रहे हैं, ये स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाती है कि मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ जाता है कि ऐसा हो सकता है कि दोनों एच ऊपर से गए हो, ऐसा हो सकता है दोनों एच नीचे से गए हो अटैक कर रहे हो, क्योंकि ऊपर भी जगह खाली है नीचे भी जगह खाली है, ऐसा भी हो सकता है एक ऊपर से गया हो एक नीचे से गया हो, तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाएगी। अब स्टीरियो का अलग से लेक्चर बनेगा, अभी हम जो जिस फॉर्म में चल रहे हैं प्रेपरेशन में वही अपने फॉर्म रखेंगे। स्टीरियो बीच में इंक्लूड कर लेंगे तो चैप्टर भाई, तो फिर ये वीडियो फिर आधा घंटा एक घंटा डेढ़ घंटा पता नहीं कहां पहुंच जाएगी। अपने को यही रहना है, ट्रैक पे रहना है, अलग अलग लिंक बना दूंगे वीडियो के। स्टीरियो अलग से मेंशन कर दिया, ये मेंशन कर दिया कि स्टीरियो इसकी अलग से बन रही है, तो उसकी वीडियो अलग बन जाएगी। ओके चलो बॉस, ये होगा ब्यूट टू इन से क्या बना दिया हमने? ब्यूटेन बना दिया। क्लियर हो रही चीजें? चलो अब हम सेकंड मेथड से करने जा रहे हैं, वो है एल्काइन। व्हाट डू यू मीन बाय एल्काइन? ट्रिपल बॉन्ड। तो भाई ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हो गया ये, इसमें कार्बन क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई इसकी भाई, ज्यादा इसकी वैल्यू बढ़ गई था इनकी, क्योंकि इसमें s करेक्टर ज्यादा हो गया, न्यूक्लियस के जो पास होता है वो ज्यादा हो गया। इसका मतलब इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन बनाना अपने को क्या है? इथेन। तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, वही चीजें सब पुरानी। अब तो जल्दी से करो, पहले तो H2 ऐड करो, रेने निकल डालो, क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर से एक बार और H2 ऐड कर दो, रेने निकल डाल दो, या एक ही बार में लिखना है तो एक ही बार में लिख दो। कैसे लिखोगे एक ही बार में? अगर लिखना है तो एक ही बार में लिखना है 2 times H2 इन प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, 2 times H2। पहले इथाइन से इथीन बनाई, इथीन से इथीन बन गया, चार हाइड्रोजन गए, दो इसको मिले, काम खत्म हो गया। दो स्टेप में करना चाहते हैं तो 2 स्टेप में कर लो, 1 स्टेप में करना चाहते हो 1 स्टेप में कर लो। तो इससे हमने 2 मेथड कर लिए हैं। जैसे जैसे मेथड बढ़ते रहेंगे स्टूडेंट्स, वैसे वैसे फ्लो चार्ट वाला हमने काम जरूर करना है। तो 2 मेथड हो गए हमने कर लिए जो है। अब मैं आपको करवाने लगा हूं थर्ड मेथड, देखते ही देखते हम थर्ड मेथड भी करेंगे। चलिए सर, थर्ड मेथड फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। रिएजेंट का देखो नाम है,
अगर नाम है तो इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करा होगा। व्हाट इज ग्रिगनार्ड एजेंट आर एक्स, ये होता है हेलोलुकेन। क्या होता है ये हमारे पास, हेलो अल्किन। आर एक्स को हेलो लुकेन बोलते हैं और एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अभी मैं बताता हूं ये भी कैसे बना, ये भी बता देते हैं। हेलो लुकेन और एल्काइल हैलाइड में जब हम मैग्नीशियम मेटल को इंसर्ट कर देते हैं, मैग्नीशियम मेटल को अगर हम इंसर्ट कर दें इसमें ऐसे करके, ये इधर जाएगा तो बनाएगा क्या, आर एम जी एक्स। व्हाट इज दिस, दिस इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और इसी को बच्चों हम बोलेंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट। साइंटिस्ट का नाम था ग्रिगनार्ड और इसको नोबेल प्राइज भी मिला था 1912 में। इधर ही कहीं यही कोई था शायद, इतना ही टाइम था जब इसको नोबेल प्राइज मिला था ये बनाने के लिए। इससे एल्केन बनाएंगे। बात क्लियर हो रही है? तो पहली बात तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता क्या है, ये होता है। बना ये किससे, हेलोल्केन और एल्काइल हैलाइड से। सर हेलोल्केन कैसे बना, इधर देखो, व्हाट इज आर एच, एल्केन अभी तो बताया स्टार्टिंग में, आर एच इज एल्केन। अगर मैं एल्केन की एक एच एक एक्स से रिप्लेस कर दूं, एल्केन ये देखो, एल्केन प्लस हेलोजन, एल्केन प्लस हेलोजन क्या बनाएगा, हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन बन गया। आर एच से एक एच निकाला, उसकी जगह एक्स लगा दिया। और अकेले आर को क्या बोलते थे, एल्काइल, अभी पढ़ा हमने स्टार्टिंग में। और एक्स को क्या बोलते हैं, हैलाइड। पता होना चाहिए एल्केन से हेलोल्केन बना, हेलोल्केन से हमारे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट बना। तो काम की बात है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अब एल्केन कैसे बनेगा। तो बच्चों ग्रिगनार्ड रिएजेंट ये रहा, आर की जगह मैं लिख दूं CH3। एग्जाम्पल लिख देते हैं अच्छे से, ये लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है अगर एग्जाम्पल लिखते साथ साथ में। इसकी कराएंगे हाइड्रोलिसिस। व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर को हम तोड़ मरोड़ कर इसमें डालेंगे। मेरे को ये बताओ मैग्नीशियम यहाँ पर कुछ पॉजिटिव करेक्टर रखता है, मैग्नीशियम एक मेटल है, उसके कंपैरेटिव में कार्बन क्या रखेगा, नेगेटिव करेक्टर रखेगा। ये पॉजिटिव रख रहा है, ये नेगेटिव रख रहा है, और इधर वाटर में पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, एच पॉजिटिव है, वो एच नेगेटिव है। तो ये वाला पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस नेगेटिव के पास, CH3 को एक एच मिल गया, काम हो गया, बनो CH4। CH3 को एक एच मिल गया, काम हो गया उसका। और Mg को क्या मिला, OH, क्योंकि Mg पे पॉजिटिव चार्ज था, तो Mg को भाई क्या मिलेगा, OH, साथ में Br, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड अलोंग विद मिथेन। इसको क्या बोलेंगे, एक कार्बन का अल्केन क्या बन गया, मिथेन। देखो ये बन गई तीन चीजें, पहला मेथड अल्कीन, दूसरा मेथड अल्काइन, तीसरा मेथड ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ऐसे ही तीन चार और है नेमिंग रिएक्शंस है वो, इसलिए उसको अलग से हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, काम हो रहा है। ऐसे भी सोचता है कन्वर्ट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू मिथेन, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू मिथेन, ऐसे भी आ सकता है। बात क्लियर हो रही है? ऐसे भी सकता है मिथाइल क्लोराइड से डाल दे आपको, कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू मिथेन, तब भी ये मेथड लग जाएगा। मिथाइल क्लोराइड टू मिथेन, मिथाइल क्लोराइड से पहले ग्रिगनार्ड बना लो, ग्रिगनार्ड की हाइड्रोलिसिस कर लो। बहुत से वे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी टाइम है आज की वीडियो को एंड करने का, ये वाले लेक्चर को एंड करने का। इसके बाद जो लेक्चर आएंगे उसमें हमने वुड्स की बात करनी है, वुड्स को अलग से बनाएंगे, नेम रिएक्शन है तो थोड़ी वैल्यू देंगे, वीडियो भी अलग से डालेंगे। चलिए क्या लिखना था हमने, बताइए जल्दी से, फ्लो चार्ट। चलो बॉस, ये रहा हमारे पास इथेन, पहला मेथड था फ्रॉम इथीन। चलिए सर, H2Ag इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन। सेकेंड मेथड फ्रॉम इथाइन, CH3CH, 2H2Ag इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन, ये देखिए सर। थर्ड मेथड फ्रॉम ग्रिगनार्ड एजेंट, व्हाट इज ग्रिगनार्ड एजेंट, CH3CH2Cl, और सॉरी MgCl, या Br देखिए, ग्रिगनार्ड लिखना है तो एडिशन किसकी होगी, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। इसको क्या मिल जाएगा यहां से, H, इसको Mg को क्या मिल जाएगा, OH। मतलब इसमें जो बाय प्रोडक्ट है वो आप साथ में लिख सकते हैं, क्या बन रहा है, बाय प्रोडक्ट Mg OH Br, ये देखिए, ये इसके साथ बन रहा है। तीन मेथड करे इस लेक्चर में हमने एल्केन्स बनाने के, नॉमेनक्लेचर करी है, एल्काइल के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ी है, और फिर हमने करा है इसमें आइसोमरिज्म, नॉमेनक्लेचर, इंट्रोडक्शन। सारा का सारा मैंने कोशिश करनी है कि फुल चैप्टर एक फ्लो में मजे से आप करिए,
एक तरह के नोट्स बनाइए, खुद से लिखिए, पीडीएफ मिल जाएगी अगर चाहिए तो। और बच्चों मेहनत करने से ही हमको ये चैप्टर होगा, क्वेश्चन की तरह तरह की टाइप्स आपको करनी पड़ेगी। मैं साथ साथ में आपको गाइड करता रहूंगा, बट करना आप खुद है, आपको खुद नोट्स बनाने हैं, आपको खुद से इसको चैप्टर को रेडी करना है। अगर आप चाहते हो कि ऑर्गेनिक में मास्टरी हो जाए तो भाई कॉपी पेन उठा लो और एक बार देख के लिख लो इसको अच्छे से, और जब हो जाए फिर जैसे मैंने तीनों मेथड कराए हैं उसको तीनों का फ्लो चार्ट बना के देख लो, काम खत्म। और एल्काइल वाली नोमेनक्लेचर जरूर कर लो, अल्केन वाली तो सबसे हो जाती है, एल्काइल वाली कॉमन नेम थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये इजी होता चला जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वुड्स रिएक्शन विद मैकेनिज्म करेंगे।